नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज, खबर नालंदा से है। पूर्व मध्य दानापुर रेल मंडल के तत्वाधान में अधिकारियों के द्वारा बुधवार को हिलसा स्टेशन पर सफाई कर्मियों के साथ साथ निर्धन असहायों के बीच पैकेट का वितरण किया गया, जबकि राम भवन हॉल के पास लॉकडाउन में फंसे दर्जनों बंजारा परिवार को भोजन का पैकेट देकर भूख को मिटाया। वहीं इस दौरान रेल अधिकारियों ने बताया कि कोविड 19 को लेकर संपूर्ण भारत लॉकडाउन के कारण खासकर दैनिक मजदूर व गरीबों के सामने एक बड़ी संकट उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए दानापुर रेल मंडल के तत्वाधान में हिलसा रेलवे स्टेशन पर भोजन बनवाया गया और पैकिंग कर उसे सफाई कर्मियों व निर्धन असहाय दिव्यांग सहित 400 जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन पैकेट का वितरण किया गया। वहीं राम भवन हॉल्ट के पास लॉकडाउन में फंसे गरीब 100 बंजारा परिवार के बीच भोजन पैकेट देकर भूख को मिटाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। लॉकडाउन के बाद किन लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है? सर, लॉकडाउन में जो गरीब हैं, कुछ बंजारे लोग, हमको सूचना मिला कि बंजारे लोग 100 की संख्या में राम भवन स्टेशन के आसपास बैठे हुए हैं और उनके पास राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। तो हमने निर्णय लिया आज कि उनको कुछ खाना वगैरह का व्यवस्था करवाया जाए। तो हमने खाना का व्यवस्था करवाया है उन लोगों के लिए। कितने लोग का सर? लगभग 100 लोग यहाँ पे थे और 250 के आसपास हिलसा में, टोटल 350 से 400 के आसपास का। हिलसा में किस जगह पे? हिलसा रेलवे स्टेशन पे ही, स्टेशन प्रांगण में ही व्यवस्था किया गया था, वहीं पे खिलाया गया है। लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति आप लोग का है? सर, बहुत दिक्कत हम लोग को है सर। क्या दिक्कत है? राशन पानी का दिक्कत है सर, हर चीज का दिक्कत यहाँ पर है। खाना पीना के घर द्वार है। क्या नाम है? नेक। कितने लोग हैं यहाँ बंजारन? 60 आदमी होगा सर। ना जी, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है सर। रेलवे वाला थोड़ा राहत मिला खाना? हाँ मिला।